सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि पर एक वीडियो का अपडेट आपके फोन तक पहुंचता रहे, ठीक है। और साथ साथ सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को भी आप लोग दबा लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं आज के क्लास का। आज का जो क्लास है वो कोडिंग डिकोडिंग पार्ट टू है। कल मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग करवाया था, उसका प्रैक्टिस सेट आपको सक्सेस की 98.in पर दिया था। उम्मीद करता हूं जितने भी कैंडिडेट एग्जाम को लेकर सीरियस है क्लास करने के बाद थोड़ा भी अपने अंदर ये लेकर नहीं आ रहे होंगे कि यार क्लास तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ये चीज अपने अंदर मत लेकर आइएगा। एक महीना छोटे छोटे चीजों पर काम करिए सीरियस होकर, अपने आप को बहुत बेहतर जगह पर पाओगे एक महीने के बाद। कल का क्लास करने के बाद उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया था कोडिंग डिकोडिंग में प्रैक्टिस के लिए 25 क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा क्लास देखने के बाद, और 25 में 25 आपने सही किए होंगे। आज का क्लास भी कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर है। ये एक जो कोडिंग डिकोडिंग है कभी कभार एसएससी जीडी आरपीएफ में आ जाता है, बहुत आसान है। तो अब आसान है तो मैं आपको क्लास नहीं कराऊंगा, फिर तो ये गलत बात हो जाएगी ना। तो ये क्लास भी करवाना बहुत जरूरी है। तो आप देखिएगा आज के क्लास को भी बहुत बेहतर तरीके से। ये इस क्लास के बाद कोडिंग डिकोडिंग का जो क्लास है वो खत्म हो जाएगा, यानी आपका 3 चैप्टर रीजनिंग का कंप्लीट, ठीक है। और एक बात आपको मैं ये भी बता दूं, संडे को शाम को 6 बजे सिर्फ मैथ नहीं होगा, मैथ और रीजनिंग दोनों होगा, क्योंकि उस दिन रिविजन क्लास है। 5 दिन आपने मैथ में क्या पढ़ा, 5 दिन आपने रीजनिंग में क्या पढ़ा, दोनों का कंबाइंड क्या है आपका रिवीजन क्लास संडे को शाम को 6 बजे है। तो उम्मीद करता हूं जितने भी मेरे भाई बहन देखेंगे उस दिन क्लास, सभी को आंसर परफेक्ट आना चाहिए। ये नहीं कि भैया नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा क्यों, क्लास तो 5 दिन करवाए थे, आपने क्लास मिस कर दिया, ऐसा हो सकता है। चलो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। और एक क्वेश्चन आपका जो है ये वाला है, एक टाइप का कोडिंग डिकोडिंग ऐसा आता है आपके एग्जाम में। तो इस बार आप लोग मत बोलिएगा भैया थोड़ा हिंदी में कर दीजिए, क्वेश्चन हिंदी में है, थोड़ा सा कोशिश करो क्वेश्चन को पढ़ने का, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको पूरा लाइनिंग दिया गया है, लाइनिंग में कुछ अक्षर को कोड किया गया है न्यूमेरिकल में यानी संख्या में। आपको सवाल कितना भी बना सकता है, मान लो आपके पास मैं 4 से 5 सवाल रखूंगा, एक बार आप ध्यान से पढ़िए, आंसर देने का कोशिश करिए, और कोशिश करिएगा कि आप सारे के सारे आंसर सही देखिए, क्योंकि बहुत आसान है और आप लोग कर सकते हैं। मान लो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, ए के ए एन एस एच ए, आकांक्षा का कोड क्या होगा आपको बताना है, उसके बाद आइस का कोड क्या होगा ये भी आपको बताना है, उसके बाद जग का कोड क्या होगा यह भी आपको बताना है, और एक आप ले लो टेस्ट, टेस्ट का कोड क्या होगा यह भी आपको बताना है। एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो आपको चारों का आंसर देना है पढ़ते हुए, बहुत प्यार से पढ़िएगा, गलती मत करिए क्योंकि बहुत आसान चीज है। चलिए देखते हैं कितने जन चारों का आंसर सही देते हैं, जल्दी से। आई होप आपने इसके पहले वाले मैथ क्लास को जरूर देखा होगा, क्योंकि आप एक भी क्लास को मिस मत करिए, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एक क्लास के मिस करने का मतलब यह होता है कि आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन का जो सिलेबस है वो पीछे छूट जा रहा है, तो वो मत करिएगा, जल्दी से कमेंट करिए आंसर क्या होगा। फोर 7641 पहला कमेंट आ गया है अजय कुमार कश्यप का, बोल रहे हैं भैया 7614, गुड इवनिंग एवरीवन। सर जनरल अवेयरेंस का नहीं होगा रिवीजन, बिल्कुल जनरल रिवीजन का भी होगा शाम को 7 बजे संडे को, हर एक क्लास रिवीजन सबका होगा ताकि लय बना रहे, ठीक है। चलो 7614 7614, एक और कमेंट आ गया है सूरज तराई का 7614, सभी बोल रहे हैं अभी कमेंट कुछ कुछ चेंज हो रहा है, तो देख लेते हैं ना आंसर करेक्ट क्या होगा। पहले में बोल रहा है आकांक्षा टेस्ट बॉल रन, तो पहले में देखिए आकांक्षा है, दूसरे में क्या है रन आइस एक्स जग,
ऊपर में रन है, आकांक्षा वाले में रन है और नीचे वाले में रन है, बाकी कोई सा भी अक्षर ऊपर में और सेकंड वाले में नहीं है। इससे हम ये निकाल रहे जो रन का कोड है वो क्या है, वो क्लियर हो गया 7843 8651, यानी जो रन का कोड है वो तो 8 है, ये तो क्लियर। तो ऊपर से रन हटा दो, अब क्या बचा, आकांक्षा टेस्ट बॉल, उसका कोड क्या हो सकता है, 7 4 या 3। अब नीचे आते हैं, अब नीचे में क्या है, कैट टेस्ट टर्मिनेशन, उसका कोड क्या है, 942। ऊपर वाले में देखो टेस्ट है, ऊपर वाले में कैट और टर्मिनेशन नहीं है, तो यहां पर क्या है, 942, यानी एक चीज निकल गया, टेस्ट का कोड क्या होगा, 2। अब ऊपर से क्या निकला, सॉरी इसका 4, टेस्ट का कोड क्या हो गया, 4। अब ऊपर से 4 निकाल दो और रन का जो कोड है 8 वो भी निकाल दो, अब आकांक्षा और क्या बच गया, आपका बॉल, उसका कोड क्या हो सकता है, या तो 7 हो सकता है या 3 हो सकता है। नीचे आ जाओ, नीचे नीचे वाले में देखो दिया है आकांक्षा जज आइस और नीचे वाले में क्या है 657, यानी आकांक्षा का जो कोड हो जाएगा वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 7, और जो एक कोड ऊपर में बच गया है बॉल, बॉल का कोड क्या हो गया, वो हो गया हमारा 3। ठीक है, बॉल का कोड क्या हो गया, वो हमारा हो गया 3, 7843। अब देखो आपका क्या पूछा है, टेस्ट का कोड क्या हो गया, टेस्ट का कोड हो गया हमारा 4, जो मिल चुका है, आकांक्षा का हो गया 7 और आपका ऊपर में क्या है, बॉल और रन, रन का कोड क्या हो गया, रन का कोड हो गया आपका 8, क्योंकि रन जो दिया गया है आपका जस्ट नीचे दिया गया है वो है 8। अब आपका क्या बचा, आइस और जग, नीचे में आइस और जग दोनों हैं, नीचे में आइस और जग दोनों हैं और नीचे में आपका 7 हट गया, 6 और 5 बच गया है, यानी 6 और 5 में दोनों में से कोई सा है, कैसे निकाले, थोड़ा सा ऊपर जाइए, रन आइस एक्स जग, वहां भी क्या है, वहां भी 6 और 5 है, कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे आइए, टर्मिनेशन एंग्री और जग, वहां पर 5 है, यानी जग का जो कोड हो रहा है वो 5 हो रहा है और जो आइस का कोड हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो हमारा 754, वो हो जा रहा है हमारा 6। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 7654, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, आकांक्षा आइस जग टेस्ट। कुछ भी पूछ दे, रन का 8, टेस्ट का 4, बॉल का 3, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम मान कर चलो 3-4 क्वेश्चन बनेगा, अगर आपने आराम से कर लिया तो 3 नंबर फिक्स्ड है एग्जाम में, ठीक है ना। रिपीट सर एक बार और प्लीज, 7654, यार बहुत सिंपल से समझा दिए हैं, आपको बस कोड निकालते हुए चला जाना है, ऊपर में आकांक्षा टेस्ट बॉल रन है और नीचे में क्या है, रन आइस एक्स जग, ऊपर में रन और नीचे रन, बाकी कोई सा भी लेटर नहीं मिल रहा है, सिर्फ रन नहीं मिल रहा है, तो रन का कोड क्या हो सकता है, ऊपर में 7843, नीचे 8651, ऊपर में 8 नीचे में 8, तो रन का कोड निकल गया 8, बहुत सिंपल सा सम है। अगला सवाल देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने और लाता हूं और कोशिश करता हूं कि जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, हालांकि ये बैंक का टॉपिक है लेकिन आजकल सारे एग्जाम में आ रहा है, तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये है, न्यू बैंकिंग सॉफ्टवेयर, इसको कोड किया गया है RRUV और AN से, तो आपका जो क्वेश्चन है आज का वो ये है, आप हमें ये बताइए इज का कोड क्या होगा, एक चीज और ले लो, आप ले लो बेस्ट, बेस्ट का कोड क्या होगा, आप एक और एग्जांपल ले लो यूनिक, यूनिक का कोड क्या होगा, सही बताइएगा इसका आंसर आप लोग, ठीक है ना। ऑफिसर ले लो, ऑफिसर का कोड फाइनली क्या होगा, आपको 4 आंसर बताना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, सही बताते हो तो 4 नंबर आपका एड डायरेक्ट एग्जाम में। आप आइए पहले कमेंट देखते हैं,
जल्दी से कि कमेंट ज्यादातर आ क्या रहा है इसका। हाँ हाँ बिल्कुल, इसके पहले वाला 7654 ही था जो बिल्कुल करेक्ट है। एक सीट हमारा है, आ गया समझ में भैया। चलो लवली, अब चलो फटाफट इसका आंसर दो आप लोग। एज बेस्ड यूनिक और ऑफिसर का आंसर क्या होगा इस कोड को देखते हुए, जल्दी से। ऑफिसर आर ओ है सर, बेस्ट के बी। अच्छा कुछ बोल रहे हैं, बेस्ट के बी ऑफिसर आर ओ, ओके। आई एस के ए टी है, बफरिंग नहीं कर रहा है, बफरिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। नहीं पता सर, नहीं पता था, थोड़ा ट्राई करिए। बैंकिंग का एल यू बोल रहे हैं, चलो एक बार देखते हैं। देखो ऊपर में क्या दिया गया है, ऊपर में दिया गया है न्यू बैंकिंग सॉफ्टवेयर, और उसको कोड किसे किया गया है, डबल आर यू वी ए एन। ऊपर में क्या दिया गया है, न्यू बैंकिंग सॉफ्टवेयर। नीचे में आइए, नीचे में दिया गया है ऑफिसर इज यूनिक। ऊपर में ऑफिसर है, नहीं है। ऊपर में इज है, नहीं है। ऊपर में यूनिक है, नहीं है। यानी ऊपर वाला और नीचे वाले में सबका कोड अलग अलग है, कोई बात नहीं। अब आइए थर्ड वाले में, थर्ड वाले में दिया गया है न्यू बेस्ट ऑफिसर। ऑफिसर अभी पढ़े सेकेंड वाले में था, सेकेंड वाले में क्या है, ऑफिसर इज यूनिक। सेकेंड वाले थर्ड वाले को मिलाइए, सेकेंड वाले में सिर्फ ऑफिसर मिल रहा है और थर्ड वाले में भी सिर्फ ऑफिसर मिल रहा है। यानी ऑफिसर का कोड एक मिल गया हमें ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या है, आर ओ आर ओ। यानी ऑफिसर का कोड मिल गया भैया, आर ओ होगा, ठीक है। अब नीचे आइए, आपको बोला है, अब ऊपर वाले में जाइए न्यू बैंकिंग सॉफ्टवेयर, और तीसरे वाले में दिया गया है न्यू बेस्ट सॉफ्टवेयर। ऊपर में बेस्ट नहीं है, बेस्ट नहीं है ना ऑफिसर है, लेकिन ऊपर वाले में न्यू है और तीसरे वाले में न्यू है, तो न्यू का कोड दोनों जगह क्या मिल रहा है, देखो डबल आर यू वी ए एन। तीसरे वाले में आर ओ निकाल दो क्योंकि वो कोड किसका है, वो कोड ऑफिसर का है। अब के बी ए एन, इसमें ऊपर में है ए एन, यानी जो बेस्ट का, जो न्यू का कोड है, अच्छा अलग से लिख लो, जो न्यू का कोड है वो क्या है हमारा, ए एन। ऊपर से तीसरे से क्या क्या निकल गया, ए एन निकल गया, आर ओ निकल गया। अब क्या बच गया, अब आपका बच गया बेस्ट, और बेस्ट का कोड क्या हो सकता है, के और बी। फाइनल तीनों कोड निकल गया, अब आपका क्या बचा, यूनिक और इज। नीचे में आइए, सॉफ्टवेयर इज बेस्ट, ऊपर में सॉफ्टवेयर नीचे में सॉफ्टवेयर, देख लीजिए क्या मिल रहा है। के बी तो हटा दो, के बी बेस्ट का है, नीचे में टी ए और डबल आर, ऊपर में टी ए नहीं है लेकिन नीचे में टी ए, तो हटा दो, ऊपर में सॉफ्टवेयर नीचे में सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर का जो कोड है वो क्या है, डबल आर। सॉफ्टवेयर का कोड क्या है, डबल आर, ठीक है। अब क्या बचा, इज और यूनिक, कोई बात नहीं। नीचे से क्या बच गया, सॉफ्टवेयर और बेस्ट हटा दो तो क्या बच गया, टी ए। यानी इसका कोड क्या हो गया, टी ए। बच क्या गया, यूनिक। यूनिक कहां पर है, ऑफिसर इज यूनिक, इज मिल चुका है टी ए, उसके बाद ऑफिसर मिल चुका है आर ओ। यानी जो इसका क्यू होगा यूनिक का, वो होगा यू और एम, राइट। क्या होगा, U और M होगा यूनिक का। तो ये कोड आपका था, मुझे लगता है ना, अगर आप शांति दिमाग से करेंगे दो मिनट काफी है, हार्डली ले लो दो से अढ़ाई मिनट में आप तीन नंबर लेकर अपने घर चले जाओगे, पक्का कंफर्म है। अब आप बोलोगे भैया थोड़ा इजी लग रहा है, इजी लग रहा है लेकिन करवाना है, क्योंकि आपको बोल रहा हूं डेली सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा जितने भी क्लास होगा, ठीक है। टी बी ए के बी, टी बी के बी यू एम आर ओ, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है कोड। थोड़ा समझ में आया रानी चौरसिया, बिल्कुल क्लास ना कि कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अब देखो इसमें अगर मैं आपको बोलूं,
आपका क्या क्या टॉपिक क्लियर हो गया है अभी तक रीजनिंग में, 5 दिन में रिवीजन क्लास में? क्लासिफिकेशन क्लियर? मत बोलिएगा भैया क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर है आपका। क्लासिफिकेशन क्लास करवाए, अलग से प्रैक्टिस सेट दिए हैं आप लोगों के लिए। अब कोडिंग डिकोडिंग भी क्लियर है, शिकायत नहीं होना चाहिए कि भैया आप नहीं करवाए हैं। रीजनिंग का एक और टॉपिक है जो मैंने करवा दिया है। रीजनिंग में 3 टॉपिक क्लियर, मैथ में आपका 2 टॉपिक क्लियर। अब इसका 3 टॉपिक, मैथ का शायद 3 टॉपिक क्लियर है, मैथ 3, ये 3। इन मैथ प्लस रीजनिंग का 6 टॉपिक का जो टेस्ट होगा आपका, वो संडे को शाम को 6 बजे होगा। और वो गलती मत करिएगा, क्योंकि हर एक क्लास का आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से सेट दे रहे, सवाल समझा रहे। अगला हफ्ता यानी कल तो शनिवार है, कल तो क्लास होगा नहीं क्योंकि मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि अब जो सीढ़ी चढ़ेंगे ना, अब थोड़ा हाई लेवल में, अब थोड़ा अच्छे अच्छे टॉपिक को पकड़ेंगे, क्योंकि इजी वाला टॉपिक ऑलरेडी 3 टॉपिक कर चुके हैं। अब अगला हफ्ता से समझ में नहीं आएगा तो गलती आपका है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपका जो बेसिक है ना, वो क्लियर कर चुका हूं मैं। रिवीजन कर लीजिए, वीडियो बार बार जाकर देखिए, क्योंकि अगला हफ्ता अगर आप क्लास अटेंड करें तो चीजें आपको पानी की तरह समझ में आए, ठीक है ना? पानी पानी हो गया भैया। चलो एक बार कमेंट कर दो कि एसएससी जीडी में सीट एक हमारा है या आरपीएफ में एक सीट हमारा है, जो भी जिस एग्जाम का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, एक बार कमेंट कर दीजिए। इसके साथ क्लास को एंड करेंगे, 9:35 हो गया है। अगला क्लास आपका 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा जनरल अवेयरनेस का, और संडे को शाम को 7 बजे उसका क्लास होगा रिवीजन, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है? सर ग्रुप डी का मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है। यार ग्रुप डी का मॉक टेस्ट आप लोग successkey98.org पर जाकर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर जाकर रजिस्टर्ड होने के बाद आप लोग टेस्ट दे सकते हैं बिना किसी डाउट के। सर एसएससी जीडी, अरे क्या बात है, आज एसएससी जीडी वाले बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। आरपीएफ, अरे अच्छा, अब आरपीएफ का कमेंट बहुत ज्यादा आने लगा। और एक बात, अभी दौड़ कर जाइएगा successkey98.in पर, वहां से आज का आपका जो होमवर्क है वहां पर जाकर करिएगा। ये मत सोचिएगा बहुत आसान है, जितने भी क्वेश्चन दिया जाए सही के सही करना है पूरा। दौड़ कर जाइए, सर पब्लिश कर दीजिए, हाँ कर दीजिए। आरपीएफ, एसएससी जीडी, चलो